हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएम टेक्निकल हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपने मोबाइल को एक कंप्यूटर स्क्रीन में बदल सकते हो। जो भी आपके सामने जो ऐप्स नज़र आ रहे हैं उसे एकदम कंप्यूटर स्क्रीन की तरह आप देख सकते हो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वीडियो को पूरा देखे तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको गूगल असिस्टेंट को ओपन कर लेना है। गूगल असिस्टेंट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर WINDOW विंडो, उसके बाद 93 विंडोज 93 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद आपको विंडो जो ऊपर जो सबसे ऊपर साइड आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। दोस्तों, वो पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये हो रहा है, आप देख सकते हो ऐप। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, शानदार। देखो यहाँ पर स्टार्ट का एक ऑप्शन मिलता है नीचे, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। फाइंड, हेल्प, रन, रिइंस्टॉल, रिबूट, शट डाउन, स्टार्ट प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्स, फुल स्क्रीन, विंडो 93 सिस्टम, स्टोरेज, टर्मिनल, कैट एक्सपर्ट। मैं एक आध ऐप्स पर क्लिक करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐप तो दोस्तों अभी लोड होने में टाइम लगेगा, मेरा छोटा डिवाइस है, इसलिए आप इस तरह से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन बना सकते हो। मैंने आपको स्टार्ट का बटन भी बताया था, स्टार्ट पर आप क्लिक करके बाद रिइंस्टॉल, फाइंड, फाइंड में मैं क्लिक करता हूँ। क्या बताता देखा ये देखो, आप देख सो अलग अलग सिस्टम, रियलमी 93, जो भी आपको फ़ोन का मॉडल है यहाँ से आप सेलेक्ट करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे और शेयर जरूर कर दे, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ साल तक ही सा काम कर दूं, सारे जहां की रख खुशी तेरे नाम कर।